गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, तो मैं आज मेरा ब्लॉग किचन से स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं अभी फ़िश करी बनाऊंगी, तो इसलिए फ़िश फ्राई कर रही हूँ। और हस्बैंड सुबह सुबह फ़िश लेकर आया, और फ़िश फ्राई करने के बाद इधर सब चॉपिंग भी कर लिया, प्याज टमाटर हरी मिर्च और आलू डाल के बनाऊंगी। तो आलू भी कट कर लिया, और इधर है अदरक लहसुन का पेस्ट। तो चल, और एक जन होमवर्क कर लिया, तो होमवर्क करने के बाद अभी बैठ के ड्राइंग कर रहा है इधर, तो ड्राइंग कर दिए। हस्बैंड इधर काम कर रही है, और एक जन इधर सोया है झाड़ के नीचे। और मैं खाना बना रही हूँ, मेरा मतलब जिसका जो काम है वो ही कर रहा है। तो चलो फटाफट खाना बना लेती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी डे बच चुका है। तो मैंने सोचा था पहले सिर्फ फिश करी बनाऊंगी, तो फिश करी बन चुका है। और इस साइड मैंने सोचा थोड़ा सा सब्जी है, जैसा बैंगन था, मटर था और आलू तो है ही, तो डाल के थोड़ा भाजा भाजा टाइप का बना लिया, थोड़ा सा ही हुआ तो ठीक है। तो अभी लंच करूँगी। तो मैं सोचा मतलब फिश करी बना रहा था, तो फिश करी बनते बनते तो थोड़ा टाइम लगेगा, तो साइड पर और एक डिश बना लेती हूँ। तो उस दिन मटर छील के रखा था तो है, और बैंगन भी एक था वो भी थे, तो सब थोड़ा जल्दी जल्दी काट करके मैं साइड कर बना लिया। तो वो भी गया, तभी लंच करूँगी। और कृष अभी भी खेल रहे, हस्बैंड अभी भी काम कर रहा है, नहाया नहीं अभी तक, तो नहाएगा फिर लंच करूँगी। चलो कभी लंच होता है देखती हूँ। काम मतलब फोन का काम हो गया, अभी थोड़ा एडिटिंग का काम चालू है। एडिटिंग हो गया था, पता नहीं कैसे डिलीट होगा, तो फिर से फिर नया करके फिर से एडिटिंग कर रहा है। एडिटिंग करके रखा, क्या करने का क्या पता, डिलीट हो गया, फिर नया करके सब कर रहा है, तो उसमें भी टाइम लगता है। तो चलो देखो, डायनासोर को और एक डायनासोर के पास लेके गए, मतलब एक डायनासोर पेशेंट है और एक डायनासोर डॉक्टर है। तो हस्बैंड अभी एक मीटिंग है तो उधर ही जा रहा है। तो लंच तो हो गया, और लंच करने के बाद हस्बैंड थोड़ा सा साइड पे गया, क्योंकि उनका काम है, बस जिनका काम है ना साइड पे, वो सर से मिलना है, तो उसलिए गया, बात भी करना है शायद उन लोग को, मीटिंग है तो गया, अभी आ जाएगा शाम तक। तो हम लोग लंच भी कर लिया, और बर्तन बर्तन सब ठीक ठाक का मतलब उधर रख दिया, दीदी आके धोएगा। तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, तो शाम हो चुका है और मैं दिया भी लगा दिया, क्योंकि मुझे थोड़ा पार्लर जाना है, तो इसलिए मैं कृषा को छोड़ने जाऊँगी तो उधर से जाऊँगी। तो मैं पहले ही दिया लगा दिया, और अभी मैं भी रेडी हो गया, कृषा भी रेडी हो गया, कृषा भी रेडी हो गया, उसका बैग भी रेडी हो गया। अभी तक निकला नहीं, क्योंकि दीदी आप भी आया काम करने के लिए, तो काम कर रहा है, फिर दीदी जाएगा तो मैं निकल जाऊँगी एक बार। तो ये देखो काम कर रहा है अभी भी, मतलब बर्तन धो रहा है, और आज बर्तन भी बहुत ज़्यादा ही हुआ था, तो इसलिए थोड़ा टाइम भी लग रहा था। और बेसिन में क्या प्रॉब्लम हुआ क्या पता, पानी नहीं जा रहा है, मतलब ड्रेन ही नहीं हो रहा ठीक से। तो एक पाउडर आता है वो फिल्टर वाला, तो वह ला के डालना पड़ेगा। तो देखती हूँ कब, मतलब जाती हूँ, मिलेगा तो लेके आऊँगी, नहीं तो हस्बैंड को बोल दूँगी लाने के लिए। और मैं दिया लगा लिया, और गेट खुला था तो टिटू आके देखो बैठ गया, भी लगा बाबा, चलो बाहर चलो बाहर चलो चलो चलो, गेट बंद करना मुझे, चलो 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 बाहर बाजार के बैठो। अरे देखो मेरा लड्डू गोपाल बैठा है इधर, और ये मेरा किशन जी, और इधर महादेव, इधर शिवलिंग, उधर छोटा सा जो लक्ष्मी जी का फोटो वो इधर रखा है, और ये गणपति बप्पा, और इधर बड़ा वाला एक लक्ष्मी जी का फोटो जो इधर रखती हूँ, और ये हमारा बहुत पहले से ही है, तो इनको नहीं छोड़ती, इनको जिधर भी जाती हूँ साथ में रखती हूँ। और ऐसा बड़ा है ना तो इधर जाएगा, थोड़ा छोटा है, तो हम लोग कोई सोच रही हूँ क्या इसका माप का और इधर बना लूँ,
तो थोड़ा बड़ा जाएगा हो जाएगा। तो मेरा लड्डू गोपाल को भी सुलाने का उठाने का, उन लोग को अच्छे से मैं सुला सकते कर सकते, क्योंकि अभी नहीं कर पाते क्योंकि जाएगा बहुत ही छोटा है तो नहीं होता है। इसलिए मैं हम लोग सोचा है कि साइड पर और एक बना लेंगे तो अच्छे से सब कुछ हो जाएगा। तो ये सोच रही हूँ, देखती हूँ, टाइम ही नहीं मिल रहा हस्बैंड को क्या प्लम्बर बोलूँ कारपेंटर को बुला के कराओ। तो देखती हूँ जिस दिन, और मुझे मैं तो मेरी ज़्यादा इतना जान पहचान में भी नहीं है, कर मैं जाके बुला के लेके आओ। तो हस्बैंड भी ये सब काम करता है, मतलब किसी को ला के दिखाना है बस। तो देखती हूँ कभी टाइम मिलता है साइट का बनाने का तो बनाऊँगी, सोच रही हूँ, क्योंकि जगह बहुत ही कम होता है, इतना बड़ा है फिर भी छोटा ही लगता है। भगवान अगर चाहता रहेगा कि हम लोग का अलग से जाएगा हो, इसलिए हम लोग का मन में ये चीज़ आया कि थोड़ा बड़ा जगह करना चाहिए। तो देखती हूँ कब होता है, कोशिश तो कर रही हूँ करने का, लेकिन टाइम ही नहीं मिल रहा है ला के, मतलब लेके आके उनको दिखाने का। ऐसा टाइप का ही बनेगा, ए साइज़ का बनेगा, फिर वो बना के देगा, कोटेशन भी लेना पड़ेगा, सब देखना पड़ेगा। तो ही देखते कभी होता है, तो दीदी जाएगा तो हम लोग भी जाऊँगे। दीदी के लिए वेट कर रही थी, दीदी को बोला ही था थोड़ा जल्दी आओ मुझे निकालना है, दोपहर में फ़ोन करके बोल दिया था, बोला हाँ आ जाऊँगी, लेकिन आया 5:30 बजे, अभी 6 ऑलरेडी बज चुका है। चलो तो फ्रेंड्स, क्रिशा शाम को ट्यूशन से आ गया और हस्बैंड भी आ गए। देखो तो हम लोग के लिए लेके आया था कोल्ड कॉफ़ी, वो तो ब्लैक टी पिएगा लेकिन हम लोग कोल्ड कॉफ़ी पी लूँगी। और इधर मोमोज खा रहा है, देखो तो हम लोग के लिए लेके आया चिकन तंदूरी मोमोज और चिकन विंग्स। अरे देखो क्रिशा भी कोल्ड कॉफ़ी पी रही है, सब उल्टा सीधा बोल रही हूँ। और मेयोनीज भी खा रही है देखो, और उसको हाथ में मिला है देखो क्या टीचर ने दिया है उसको, एक स्माइल, एक स्टार और फेस ड्राइंग करके दिया हाथ में, और उसका पापा को भी दिखा रही है। तो फ्रेंड्स, शाम को चाय वाय पी के, मैं तो चाय नहीं पिया, हस्बैंड ने चाय पिया, तो हम लोग कोई मोमो टोमो थोड़ा खाया, तो थोड़ा बैठ के टीवी देख रहा था, बात कर रहा था। फिर हस्बैंड थोड़ा बीच में गया था मार्केट, क्योंकि भगवान का कल तो लक्ष्मी पूजा है, मतलब जो गुरुवार का डेली, हर हफ्ता का जो गुरुवार का पूजा रहता वही है। तो केला चाहिए था तो लेकर आया, उनके लिए भी फ्रूट्स लेकर आया बहुत टाइप का, ये देखो इसमें है, तो अभी तक मैं निकाला नहीं हूँ। और एक टेट्स का ये भी लेकर आया डिब्बा, तो ही दो कल, मतलब वो जाता है ना तो बाहर काम करते तो कुछ खा नहीं पाता, काम से निकल के कुछ खाएगा वो भी होता नहीं है। तो मैं बोला एक छोटा सा बॉक्स में ऐसा थोड़ा बहुत फ्रूट्स काट के दे देंगे, खाएगा तो थोड़ा पेट में रहेगा। तो एक लेके आया, कल काट कर तो दूंगी। और ये उस दिन एग्जीबिशन में गया था ना पावाई में, उधर से लेकर आया था, तो ये अभी लगाया, डबल सा टेप नहीं था तो टेप लेके आया तो उसके बाद लगाया, इधर अच्छा लग रहा है। अगर डोर से, इधर डोर है ना मेन डोर, उधर से अंदर आते राइट साइड पे, और ये साइड पे किचन। तो चलो, और अभी मैं बनाऊंगी डिनर बनाऊंगी, मतलब डिनर में मतलब है राइस भी है और फिश करी भी है, तो हो जाएगा, थोड़ा गर्म कर लूँगी। और मेरे लिए सिर्फ दो रोटी बना लूँगी तो हो जाएगा हमारा डिनर। और टिट्टू को भी देंगे खाने के लिए, क्योंकि उसको दिया नहीं, तो चलो उसको भी दे दे, तो भूख लग गया ऑलरेडी, 10:30 बज गया, तो फटाफट बना लेती हूँ। तो आज का वीडियो इतना तक ही, लेकर आती हूँ फिर एक नया वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साइड में जो बेल आइकन है वो भी प्रेस कर दीजिए, तो हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगा। तो बाय बाय, गुड नाइट।